एक सवाल और एक कंफ्यूजन कि क्यों टाटा मोटर्स पंच के साथ 3 सिलेंडर इंजन दे रहे हैं, जबकि ये इंजन इतना नॉइस और वाइब्रेशन देता है, फिर भी क्यों टाटा इसे यूज़ कर रही है। सो वंस अगेन ऑन योर डिमांड मैं लेके आया हूँ एक वीडियो, जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी 3 सिलेंडर इंजन से जुड़ी हर कन्फ्यूजन को एड्रेस करके दूर करने की। लेकिन उससे पहले लेट मी क्लियर फर्स्ट कि सिर्फ पंच का 3 सिलेंडर इंजन नहीं, बल्कि सभी कंपनीज के 3 सिलेंडर इंजन थोड़े नॉइस और वाइब्रेशन देते हैं। तो नॉर्मली कार्स का इंजन 4-स्ट्रोक प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें इंटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट जैसे 4 स्ट्रोक इंजन को चलाते हैं। लेकिन जब 4 सिलेंडर इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं तो सारे स्ट्रोक्स बैलेंस्ड होते हैं, कहीं पे इंटेक चल रहा है तो कहीं पे एग्जॉस्ट चल रहा है, और कहीं पे कंप्रेशन को बैलेंस करने के लिए पावर स्ट्रोक चल रहा है। इस कारण से ऐसी कार का इंजन बैलेंस्ड रहता है और उस कार के इंजन में वाइब्रेशन थोड़े कम होते हैं। लेकिन क्यों 3 सिलेंडर इंजन इतने नॉइस और वाइब्रेशन देते हैं 4 सिलेंडर के मुकाबले, तो इसका सबसे बड़ा एक कारण है 3 सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट जब 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती हैं तो उसको हर 120 डिग्री पर पावर स्ट्रोक मिलता है। और वही 4 सिलेंडर इंजन की बात करें तो उसकी क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री का चक्कर लगाती हैं तो उसको हर 90 डिग्री पर पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसलिए 3 सिलेंडर इंजन में पावर स्ट्रोक के डिले होने पर हमें पावर डिलीवरी में कंसिस्टेंसी भी नहीं मिल पाती है और इंजन में थोड़ा वाइब्रेशन भी होता है। और इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए अलग अलग ब्रांड अलग अलग टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बैलेंस शाफ्ट लगा देते हैं ताकि वाइब्रेशन को बैलेंस कर सकें, और कुछ ब्रांड क्रैंक शाफ्ट को ही और ज़्यादा बेटर मटेरियल का बना देते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो सके और वो ज़्यादा वाइब्रेशन ना करें। अब ये तो बात हो गई वाइब्रेशन की, लेकिन क्या 3 सिलेंडर इंजन होने से पावर एंड परफॉर्मेंस में गिरावट आती है? तो अगर एक 3 सिलेंडर इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड, तो उसमें क्योंकि सिलेंडर कम है तो मतलब पावर कम होगी। जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतनी ज़्यादा पावर हम प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा कंबस्चन होगा और उतना ज़्यादा हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न कर सकेंगे और उतनी ही ज़्यादा हम पावर क्रिएट कर सकेंगे। तो सिलेंडर ही कम हो गए 4 की जगह 3, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए 3 सिलेंडर इंजन की पावर आमतौर पर कम मिलती है, और उसकी पावर बढ़ाने के लिए नॉर्मली कंपनीज टर्बो चार्जर का यूज़ करती हैं और उससे पावर बढ़ाते हैं। एंड यस, अगर आप 4 सिलेंडर इंजन में टर्बो चार्जर लगाएंगे तो वो हमेशा ज़्यादा पावरफुल होगा। सो नेचुरली एक 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर के मुकाबले कम पावरफुल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 सिलेंडर इंजन अंडर पावर हैं, बल्कि कुछ 3 सिलेंडर इंजन तो 4 सिलेंडर के मुकाबले ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि 3 सिलेंडर इंजन इतने वाइब्रेशन और नॉइज़ भी देते हैं, फिर भी क्यों कंपनीज इन्हें इस्तेमाल करती हैं? तो इसका सबसे बड़ा आंसर है इसकी इतनी सारी खूबियाँ, जिसके पीछे इसकी सारी कमियाँ छुप सी जाती हैं। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है जो कंज्यूमर को मिलता है वो है प्राइसिंग में, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में थोड़े कम पार्ट्स होते हैं तो वो उसकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग में भी इफेक्ट करता है और एट दी एंड कंज्यूमर की जेब में पैसा बचता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, तो पार्ट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस भी कम होगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, यू कहें बेटर माइलेज या ज़्यादा माइलेज। सो 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा माइलेज निकाल के देते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ी सेविंग्स भी होती हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की कि क्या 3 सिलेंडर इंजन एक बेटर चॉइस है। तो आंसर इज़ यस, बिकॉज ये आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे फ़ायदे देता है। लेकिन पहले आपको 3 सिलेंडर इंजन सिर्फ एंट्री लेवल कार में देखने को मिलते थे, जैसे अल्टो या ह्यूंडई ईऑन जैसे, लेकिन आज हर सेगमेंट में हर ब्रांड इसे यूज़ करता है, यहाँ तक कि BMW भी खुद अपनी कुछ कार्स में इसे यूज़ करता है। सो आई होप मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन्स 3 सिलेंडर इंजन से जुड़े दूर कर पाया होऊंगा। लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर मुझसे कुछ पीछे छूट गया हूँ, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।